ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। टाटा इंडिका कोट्रा जेट इंजन है, वो स्विफ्ट वाला फियाट इंजन है ना भाई। और दोस्तों अभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, गाड़ी टो करके लाए हैं। वैसे कभी कभी स्टार्ट हो जाती है और तुरंत बंद हो जाती है, आप देख सकते हैं। फिर क्रैंकिंग करने पर स्टार्ट नहीं होती, ये कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही है। दो तीन चार बार ट्राई किया तो एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, इग्निशन ऑन ऑफ करने पर, बाकी अब स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। वैसे लाइट तो सब आ रही है, इंजन चेक लाइट भी। वैसे आपको एक बार दिखा देता हूँ, इग्निशन पे मतलब सभी लाइट कंप्लीट आ रहा है, ठीक है, चेक लाइट भी आ रहा है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, वैसे फ्यूल का ही इश्यू होगा मेरे हिसाब से, फिर भी चेक करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल फिल्टर है और उसका जो मेन हमारा फीड पंप पे जो पाइप जाता है उसको हमने रिमूव कर दिया है। और इग्निशन के टाइम दोस्तों वहाँ पर फ्यूल मतलब डीजल आना चाहिए, ठीक है। अभी इग्निशन ऑन करते हैं, थोड़ा दिखाना मुश्किल होगा, इग्निशन अभी मैंने ऑन किया है अंदर से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल डीजल ही नहीं आ रहा है। पाइप हमने पूरा निकाल के रखा, ये मेन पाइप है उसका, बगल में रिटर्न पाइप है, तीन पाइप वाला उसका डीजल फिल्टर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डीजल नहीं आ रहा है तो फ्यूल पंप हमारा जो टंकी में रहता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, उसका पावर सप्लाई चेक करेंगे। अभी उसका फ्यूल पंप निकालने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, चेक करेंगे बाद में। यहाँ पर मैं मतलब 100% फ्यूल का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी फ्यूल पंप दोस्तों यहाँ पर उसका पीछे वाला सीट है उसके नीचे ही रहता है, यहाँ पर आप देख सकते, बहुत ही ख़राब कंडीशन है, बहुत ही गंदा है। और हल्का सा दोस्तों यहाँ पर मुझे मालूम लग रहा है, वैसे एक बार मैं कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा। अब इग्निशन ऑन टाइम पे वहाँ पर दोस्तों उसका जो फ्यूल पंप है वो मतलब यहाँ पर उसका मोटर का आवाज़ आता है, वो भी नहीं आ रहा है आपको, मैं आई होप कि आपको सुनाई दे। अभी दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे सप्लाई भी आ रहा है लेकिन यहाँ पर ये सॉकेट है वो लूज़ है, आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर उसका लॉक मैंने बिठा है, अभी कंप्लीट मैंने बिठा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं इग्निशन ऑन कर करके आपको दिखाता हूँ। अभी इग्निशन ऑन टाइम यहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई देगा, खैर आवाज़ ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे से जो हमने मेन उसका जो डीजल का पाइप निकाल के रखा है वहाँ पर डीजल आ जाना चाहिए, आप देख सकते हैं पूरा डीजल से यहाँ पर गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ फ्यूल अभी आ गया है, ठीक है। अभी स्टार्ट करके ही आपको दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं, मतलब मेन उसका प्रॉब्लम बहुत ही छोटा था दोस्तों, लेकिन उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।